जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से प्रखंड स्तर पर यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बहाली की प्रक्रिया के जो पद हैं वो पद का नाम है दोस्तों साधन सेवी। अब साधन सेवी के लिए, इस पद के लिए आवेदन कौन कौन से छात्र कर सकते हैं, क्या ये सिर्फ प्रखंड स्तर पर है या शहरी क्षेत्रों में भी इसका अपडेट दिया जाएगा, तो बिल्कुल देखिए, जिस शहर में प्रखंड है और जिस ग्राम में प्रखंड है यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको प्रखंड साधन सेवी के पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, करीब आपको पता है कि बिहार में 537 ऐसे प्रखंड हैं और शहरी संसाधन केंद्र हैं जहाँ पे आपको जो है साधन सेवी के इस पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होना चाहिए। आवेदन करना कहाँ से है और कैसे आवेदन करना है, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। सैलरी क्या मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये उन्हीं के लिए है जो कि स्पेशल हैं। जी हाँ, स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो जो हैं रिक्रूट किए जाएंगे ऐसे छात्र जो कि यहाँ पे सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्त किस क्षेत्र में है, तो वो शिक्षकों का ये एक पैनल तैयार किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो प्लीज़ अपने गुरुओं को ज़रूर ये शेयर करें जो कि रिटायर्ड में हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको ये आवेदन करने का मौका ज़रूर मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे। और ये नोटिफिकेशन ये है दोस्तों, जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया है, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रखंड संसाधन BRC यानी कि जो आपका क्षेत्र है दोस्तों BRC वाला, और शहरी संसाधन केंद्र यानी कि URC यानी कि अर्बन ये रूरल जो सेंटर्स हैं वहाँ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे ये जो पद का नाम है साधन सेवी के लिए, जहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक पैनल निर्माण करने की आवश्यकता सूचना दी गई, आवश्यक सूचना दी जा रही है। राज्य के सभी उन 537 प्रखंडों में और शहरी संसाधन केंद्रों के लिए प्रखंड साधन सेवी के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रखंडवार पैनल तैयार करके सहमति के आधार पर अधिकतम जो है एज क्राइटेरिया 65 वर्ष की आयु तक रखने का कार्य किए जाने के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आपका जो है एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 65 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। अब जो भी इच्छुक उम्मीदवार है ये ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे, इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे वो 22 जुलाई तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैसे आवेदन करना है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं शिक्षक, जिस प्रखंड संसाधन या शहरी संसाधन केंद्र के क्षेत्राधीन कार्य करने के लिए चाहते हैं, वो वहाँ पे आपको प्रखंड संसाधन केंद्र और शहरी संसाधन केंद्र के समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को निबंध करना होगा। यानी कि जिस प्रखंड में आप रहते हैं, आप चाहते हैं कि उस प्रखंड में आप जाके शिक्षा दे सके, जी हाँ रिटायर्ड टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी लोग यहाँ पे भी जाके पढ़ा सकते हैं। ये समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को आपको ईमेल करना होगा या स्पीड पोस्ट कर देना होगा डाक या ईमेल के, अपना आवेदन जो है 22 जुलाई 2023 तक आपको भेज देना होगा। आवेदन पत्र जो है जो प्रारूप है उसका अन्य विवरण कुछ वेबसाइट पे दिया गया है, जो कि आपका वेबसाइट ये है जिस वेबसाइट पे हमने आपको अभी ले गए थे। तो आगे चलते हैं, प्रक्रियाओं को समझते हैं। और ये एक अपडेट आया है दोस्तों, ये आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है ऐसे PDF मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे आवेदित जिला का नाम, किस जिला के लिए आप भर रहे हैं, अब किस प्रखंड के लिए भर रहे हैं, और अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्त की तिथि यानी कि कब आप रिटायर हुए हैं। जी हाँ, याद रखिएगा 65 वर्ष से एज आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रिटायर 60 की उम्र में हुए हैं या 62 की उम्र में हुए हैं, तो ये आपका वैकेंसी जो है लगभग 3 साल के लिए आपको दी जा रही है काम करने को। विद्यालय संस्था का नाम या जिला का नाम जहाँ से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, वो जगह का नाम, वर्तमान निवास तथा स्थान का पूर्ण पता यहाँ पे आपको देना है, जो भी आपका एड्रेस है, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे प्रस्तुत करना है, जो भी आपकी योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा है लास्ट वो बताना है, उच्च प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि अगर आपने BEd वगैरह या फिर आपने स्टेट वगैरह सीटेट वगैरह कभी दिया हो उसकी जानकारी, कंप्यूटर संचालन की जानकारी है या नहीं, हाँ और ना में लिख के बताना है, अगर है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, प्रमाणित किया जाता है, और अपना जो है तिथि, स्थान, और यहाँ पे जो है एक सिग्नेचर जो है आप अपना जरूर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद जो है इसको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और आपको जो है मेल करना है, यहाँ ईमेल करना है या डाक के जरिए भेजना है
यह 22 जुलाई तक कहाँ, तो जिस जिले के लिए या जिस प्रखंड के लिए या जिस शहरी संसाधन केंद्र के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पे समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं कार्यालय को आपको निबंधित करना होगा। तो ईमेल आईडी क्या है यहाँ पे देखिए, नीचे आइएगा, सब कुछ जानकारी दी गई है। जो आप यहाँ पे आएंगे तो ये एक आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, कार्यालय आदेश, यहाँ पे बोला गया कि BRC या CRC के संबंधित विषय पर अनुशंसा देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के स्थान, जो दिनांक है 27 जून 2023 को संपन्न बैठक के लिए एक निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय पर यहाँ पे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और उसके आलोक में राज्य के सभी 537 प्रखंड और शहरी संसाधन केंद्रों के लिए प्रखंड साधन सेवी, ये प्रखंड साधन सेवी आपका पद का नाम है, 3 पदों अर्थात 1611 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रखंडवार पैनल तैयार करके सहमति के आधार पर, यहाँ पे अधिकतम एज क्राइटेरिया 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनसे कार्य लिए जाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को सक्षम पदाधिकार घोषित किया जाता है। तो लगभग जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 1611 है, हर प्रखंड में जो है 3-3 रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो आपके शहरी क्षेत्र में या आपके जो है ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रखंड हैं ये ध्यान में देखिएगा और उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप ध्यान में रखिएगा 1611 पद है यहाँ पे टोटल। अब जो भी लोग यहाँ पे रिटायर्ड हैं, टीचर हैं, वो इनको यहाँ पे आवेदन करना है। बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रखंडवार पैनल निर्माण के लिए जिला स्तर से 15 दिनों का समय देते हुए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यह ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से भी वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर प्रखंडवार पैनल तैयार किया गया है। राज्य के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत सभी जिलों के लिए विज्ञापित यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञप्ति का प्रारूप जो है सुलम प्रसंग के लिए है और अनुगलंक एक के रूप में संलग्न किया गया है, जो कि आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया है ना। आगे चलते हैं यहाँ पे, और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, ये सभी प्रखंडों में यहाँ पे बोला भी जाएगा, तो ऑफलाइन भी रिक्रूटमेंट आएगी यहाँ पे। इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक जिस प्रखंड संसाधन या क्षेत्राधीन कार्य के लिए होंगे इच्छुक, उस जो उस उक्त प्रखंड संसाधन के समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को डाक या ईमेल जो है अपना आवेदन निर्धारित करेंगे। आप एक डाक के माध्यम से भी ले जाके सीधे अपना जमा कर सकते हैं हाथों हाथ, या ईमेल भी कर सकते हैं। 22 जुलाई तक ये लास्ट डेट है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जो DEO है आपके क्षेत्र में, प्रखंड में है ना, उनको आवेदन समेकन करके जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता की गठित चयन समिति अध्यक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थिति यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को 15 जुलाई 2023 तक जो है जिला स्तरीय चयन समिति का गठन करने के लिए सुनिश्चित किया गया था, और 24 से लेकर 31 जुलाई तक है ना आपको आहूत कराई जाएगी सारी चीज़ें। और जिला, देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है आप लोग, जिला स्तरीय चयन समिति का गठन कुछ इस तरह से है, जो कि ये लोग जो है इनको भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा कि ये लोग रिक्रूटमेंट में हिस्सा करें, यानी कि रिक्रूटमेंट लें यहाँ पे, ठीक है। ये सदस्य हैं यहाँ पे ये लोग, और आपको बता दें कि एज जो है आपका 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेवानिवृत्त तिथि का, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो भी सेवा शिक्षक दे सके हैं, और 3 प्रखंड साधन सेवी में से कम एक जो है प्रारंभिक विद्यालय तथा एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा जहाँ पे की गई है, आपको बता दें साधन सेवी के इस पोस्ट के लिए 20,000 रुपये महीना दिया जाएगा। मान्यता के भुगतान जिला कार्यालय द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा, तो आपका बैंक पासबुक वगैरह भी यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है यहाँ पर, इस शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र से ये उन रिटायर्ड पर्सन को बुलाया जा रहा है कि वो आएँ और यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट में हिस्सा लें, और डाक या ईमेल के जरिए जो है आपको यहाँ पे जो अपना अपडेट है वो देना है। तो देखिए मैं तो बोलूँगा यहाँ पे ये डाक या ईमेल संबंधी जो अपडेट दिए गए हैं ये सीधे आप जाके 22 जुलाई को अपने समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए उनके कार्यालय में, और उनको उनसे ईमेल लीजिए या फिर डाक के जरिए जो है हाथों हाथ अपना डाक जमा कर दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो मांगे गए हैं यहाँ पे। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ इस पोस्ट में दिया गया है, क्या क्या मांगा गया है, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और सेवानिवृत्त की तिथि यानी कि जो भी आपका PPO होगा वो दे दीजिएगा, और आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कंप्यूटर में ज्ञान है या नहीं, ये सब कुछ जानकारी, और इसका सर्टिफिकेट भी दे दीजिएगा। तो यहाँ से आपको जो है बुलाया जाएगा, आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो ये जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी गई है इस विभाग के तहत, और इसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। तो आप जो है आएंगे यहाँ पे
और यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन इनवाइट फॉर द रिटायर्ड टीचर ऑफ द पोस्ट ऑफ बीआरपी, तो आप यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं या कर सकती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारा डिटेल दे दिया, फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जो पीडीएफ है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे। जय हिंद।